अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन विद दुआ। जी आप सब कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी आज की जो हमारी रेसिपी बहुत ही आसान है और बहुत ही इजी है। आज हम बनाने जा रहे हैं ग्रिल शवरमा, चिकन ग्रिल शवरमा। बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही इजी और बच्चे बहुत पसंद करते हैं इसे, तो आप ज़रूर ट्राई करें मेरी रेसिपी को। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले ये चिकन मैंने लिया है, ये देखें इस तरह स्लाइसिस में मैंने काट लिया है, तो ये देखें लंबा लंबा काट लिया इस तरह। तो ये मैं एक बाउल में डालूँगी, ये सारा मैं बाउल में डाल दूंगी। जी तो यहाँ पे ये देखें चिकन मैंने ऐड कर दिया बाउल में, आधा किलो तकरीबन चिकन है, हाफ के जी। तो यहाँ पे मेरे पास लहसुन का पेस्ट है, अदरक का नहीं, खाली लहसुन का पेस्ट एक चम्मच, ये मैं ऐड कर दूंगी इसमें। जी तो यहाँ पे मेरे पास दही है, हाफ कप ये ऐड कर दूंगी इसमें। जी तो बाकी के मिसाले इसमें ऐड करेंगे। सबसे पहले लाल मिर्च पाउडर डालेंगे एक चम्मच, ये देखें एक चम्मच लाल। जी तो ऐड करेंगे इसमें हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। जी तो आधी चम्मच इसमें ऐड करेंगे नमक की। जी तो जीरा पाउडर ऐड करेंगे, आधी चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे इसमें, काली मिर्च ऐड करेंगे हाफ चम्मच, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें। जी तो ये मेरे पास लेमन है, ये थोड़ा सा ऐड कर देंगे इसमें, इसका जूस। जी तो इस इन मसालों को और दही को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जी तो ये देखिए हमने मिसाले इसको मैरिनेट कर दिए हैं और आधे घंटे के लिए हम रखेंगे इसको, चिकन को मिसाले लगा के मैरिनेट करके मैं इसको कवर कर दूंगी। जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे एक बाउल लेंगे और यहाँ पे मैंने वेजिटेबल्स जो हैं ये मैंने काट ली हैं स्लाइसिस में। ये देखें खीरा, टमाटर, हरी मिर्ची और गाजर, ये देखें लंबी लंबी काट ली हैं। अब ये इस बाउल में मैं ऐड करूँगी शवरमा के लिए। तो ये सारी हमारी जो सब्जियां हैं इसमें जाएंगी, गाजर। जी तो कांटों की मदद से मिक्स कर लेंगे। हाँ जी तो इसमें मैं ऐड करूंगी विनेगर, आधी प्याली विनेगर डाल देंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। जी तो ये देखिए मिक्स हो गई हैं, अब मैं इनको रखूंगी थोड़ी देर के लिए साइड पे। जी तो यहाँ पे पैन रखेंगे चूल्हे पे और मैं इसमें थोड़ा सा एक चम्मच ऑयल ऐड करूंगी। ऑयल हमारा गर्म हो रहा है और यहाँ पे जो मैंने चिकन मैरिनेट करके रखा था ये देखें। जी तो इसको पकाएंगे स्लो फ्लेम पे, पहले हाई करेंगे फिर स्लो करेंगे और इसे अच्छी तरह से पकाएंगे। जी तो ये देखिए अब चिकन को हम कवर करेंगे थोड़ी देर, 10 मिनट के लिए कवर करेंगे ताकि ये चिकन अच्छी तरह से गल जाए। जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें चिकन हमारा बिल्कुल रेडी है शवरमे के लिए। मैं थोड़ा सा इसके ऊपर धनिया डालूंगी और इसको साइड पे रखेंगे। जी तो यहाँ पे मैंने आधा कप दही लिए, इसमें एक चम्मच डालेंगे लहसुन पाउडर की और इसे मिक्स कर देंगे। जी तो दही हमने ऐड कर दी और उसमें
लहसुन पाउडर भी डाल दिया, और अब इस मायोनीज डालूंगी आधा कप मेरे पास मायोनीज का है, ये ऐड कर देंगे। जी तो यहाँ पे मेरे पास पपरिका पाउडर है, ये ऐड करेंगे थोड़ा सा इसमें। जी तो थोड़ा सा धनिया इसमें ऐड कर देंगे। और थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे चुटकी, और इसे भी मिक्स कर लेंगे। और ये चिकन शॉर्मा के लिए ये हमारी पेस्ट जो है रेडी हो गई है। जी तो यहाँ पे शॉर्मा क्रेप्स बनाने के लिए मैंने ये पैन बॉल लिया है, और यहाँ पे मेरे पास एक कप दूध है फुल फैट के साथ, तो ये मैं ऐड कर दूंगी इसमें बॉल में। ये ऐड हो गया। यहाँ पे मेरे पास 3 अंडे मैंने तोड़ लिए हैं। जी तो यहाँ पे मैंने मिल्क ऐड कर दिया है, वहाँ एक बड़ा कप फुल फैट के साथ। यहाँ पे मेरे पास 3 अंडे हैं, ये मैंने तोड़ लिए हैं, और इसमें मैं ऐड कर दूंगी, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जी तो थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे इसमें, और इसमें मैदा मैं ऐड करूंगी 1 कप। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे इसमें मैदा, और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। ताकि गुठलियां ना बने और अच्छी तरह से मिक्स हो जाए हमारा मैदा। दूसरा भी ऐड कर दूंगी मेरे पास जो है। इसको भी मिक्स कर लेंगे। जी तो इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑयल 1 चम्मच, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जी तो यहाँ पे पैन में रख दी, और थोड़ा सा ऑयल डाला है, इसको ग्रेस करेंगे, और यहाँ पे हम क्रेप्स बनाएंगे शॉर्मा के लिए। तो थोड़ा सा मैंने बिल्कुल ऑयल डाला है, और इसमें अब मैं ये ऐड करूंगी। Thank you.
फ्लेम, ये देखे थोड़ा सा ऑयल डालेंगे पैन पे, ग्रिलेड पैन पे, और इसको मैं ब्रश से सारे तरफ फैला दूंगी इस तरह से। अब हमारे जो शॉर्मा है ये मैं इसके ऊपर रख दूंगी आराम आराम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें आज की जो हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है, चिकन शवारमा क्रेप्स हमने रेडी कर ली हैं। बहुत ही अच्छे बने, डिलीशियस बने, आप जरूर ट्राई करें। रेसिपी को मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।